नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इंसान का प्रत्येक अंग उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसे ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखकर ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में पैसा और स्त्री सुख है या नहीं। अंगूठे और उंगलियों की लंबाई से ये भी बात तय हो जाती है कि जीवन में सुख मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके पैर का अंगूठा और उंगलियों से क्या क्या जाना जा सकता है। तो आइए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी के पैर का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली दोनों आपस में मिल रही हो तो ऐसे लोगों को किस्मत का साथ कम ही मिल पाता है। साथ ही अगर ऐसे लोगों का अंगूठा छोटा और पास वाली उंगली बड़ी हो तो इन्हें अपनी पहली संतान से सुख कम मिलता है। ऐसे लोगों का बहुत सारा पैसा संतान पर खर्च हो जाता है। तो वहीं अगर किसी के पैर का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति सुख समृद्धि और पैसे वाला होता है। ऐसे लोगों को स्त्री सुख अधिक मिलता है। ऐसे लोग संतान और परिवार की ओर से भी सुखी रहते हैं। अगर किसी के पैर का अंगूठा बड़ा और उसके पास वाली उंगली छोटी हो तो ऐसे लोगों को दूसरों का गुलाम कहा जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों की बातें मानने वाले होते हैं और इनको लोगों की बातें ज्यादा प्रभावित करती हैं। आगे बात करते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली की। अगर पैर की बीच वाली उंगली से छोटी हो तो ऐसे लोगों की पत्नी गरीब परिवार से होती है और ऐसे लोगों को उसे सुख कम मिल पाता है और इनके घर में ज्यादातर कलह का माहौल बना रहता है। तो वहीं अगर छोटी उंगली के पास वाली उंगली अगर पैर की बीच वाली उंगली से ज्यादा छोटी हो तो ऐसे लोगों को भी स्त्री सुख कम ही मिल पाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर अंगूठे के पास वाली उंगली अगर बड़ी हो तो ऐसे इंसान को स्त्री सुख ज्यादा मिलता है। ऐसे लोगों की पत्नी बचत करने वाली और पैसा कमाने वाली भी होती है और साथ ही ये अपना जीवन सुखी व्यतीत करते हैं। पैर की छोटी उंगली अपने पास वाली उंगली से बड़ी हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कई मामलों में किस्मत का साथ मिलता है। पैर की आखिरी दोनों उंगलियां अगर बराबर हो तो ऐसे लोगों को संतान सुख अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। आगे बात करते हैं पैर के अंगूठे की। पैर का अंगूठा और सभी उंगलियां बराबर हो तो ऐसा इंसान सामान्य जीवन नहीं जीता। ऐसे लोग बहुत फेमस या बड़े इंसान होते हैं या फिर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते और बहुत गरीब हो जाते हैं। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।